welcome that's awaiting Prime Minister Modi singing Sita Ram. पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है, नहीं कभी भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज रिसीव्ड बाय द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया मिस्टर डेनिस मेडवेडेव एंड ही इज सीनियर टू द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हु रिसीव्ड द चाइनीज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू रशिया। दिस इज क्वाइट अ रेयर जेस्चर बिकॉज़ क्योंकि अमेरिका में बाबा बाइडन है, इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया है, चाइना और रशिया उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया का फ्यूचर है और उसमें मोदी साहब का जो दौरा है, और सबसे बड़ी बात मोदी साहब जो हैं बायलैटरल विजिट रशिया का कर रहे हैं, मल्टीलैटरल उन्होंने G7 का करके वहां सारी लीडरशिप से मुलाकातें वो कर ली। इस वक्त क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, रशिया की बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रूस के 2 दिवसीय दौरे पे पहुंच गए हैं, जहां पे मोदी जी को लैंड करते ही ग्रैंड वेलकम किया गया रूस की तरफ से। और इसमें खास बात यह रही कि एयरपोर्ट से जो मोदी जी को रिसीव किया गया वो रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। वहीं पर इससे पहले जब शी जिनपिंग रशिया पहुंचे थे तो उनका वहां पे स्वागत रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पदे के हिसाब से एक लेवल डाउन दौरा किया गया था। तो उसी के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पर जाते हैं उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया जाता है, और इस बार भी मोदी के स्वागत के लिए रूस की तरफ से बड़ी तैयारियाँ की गई थी, जिसमें रूस की तरफ से भारतीय कल्चर को, संस्कृति को डांस और सिंगिंग के फॉर्म में तैयारी करके प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया गया, जिसको देख करके ऑब्वियसली दुनिया के कई देश तो ये सोचते रहते हैं कि आखिर मोदी जी का ऐसा स्वागत क्यों होता है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मोदी जी का इस शान और शौकत के साथ रूस के अंदर स्वागत देख करके हैरानी भरी पड़ी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। वक्त क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, रशिया की बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। रशिया की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है, मगरब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं मॉस्को के विजिट पर। और यह स्टेटमेंट आई है क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन की तरफ से। अब ये बात क्या किस उस पे कही गई है और ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, यही नहीं बल्कि साथ में दिमित्री पेस्कोव ने ये भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। जो क्रेमलिन ने यह कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहां पर होते हैं जिस जगह पर, उनके ऑफिस को, वहां के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मॉस्को फॉर समिट लेवल टॉक्स विद प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है, सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है? चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत, चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नजदीक फिर से क्यों आ रहे हैं। और सिर्फ चाइना ही क्या, पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही?
पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है नहीं कभी भी नहीं। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्म गोजोशी नजर आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नजर आ रही है कि रेड कार्पेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि ये एक फुल फ्लेश्ड विजिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रशिया वाले, और इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें समिट लेवल टॉक्स जो हैं वो होंगी, क्योंकि वो एवरी ईयर समिट उनके बीच में होती है, वही है ये। लेकिन क्योंकि इन 5 ईयर्स ये फर्स्ट विजिट है मोदी साहब का रशिया का, तो इसलिए इसको ज्यादा कीनली देखा जा रहा है, और इसमें और बहुत सारे ऐसे जो है हमें नजर आएंगे स्टेप्स। दोस्तों भारत जो है एज ए मिडिल पावर एंड एज एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे दो चीज़ों पे बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है। एक तो ये कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको किस तरह इफेक्टिवली यूज़ करना है, और किस तरह अमेरिका से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हासिल करनी है। अब तो देखें 21st सेंचुरी में जो चीज़ चेंज कर रही है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स को वो टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली टेक्नोलॉजी डिटरमिन करती है। AI को कहा जाता है कि दिस इज ऑयल ऑफ द फ्यूचर, और डेटा सेंटर्स जो हैं दुनिया के उनको कहा जाता है ऑयल फील्ड्स, जहां से सारी की सारी AI जो है वो क्रिएट होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर है। सो इंडिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हुए हैं। और दूसरी तरफ चाइना और रशिया के जो आपस में बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं। सो ये जो अभी मोदी साहब का विजिट है इसके अंदर ये चीज़ें हैं।